मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया है कि कल उद्योग मंत्री जी ने किसी पोर्टल पर एक बयान दिया था और जिससे उनकी बौखलाहट नजर आ रही थी, उन्होंने ये बयान दिया कि कुछ छुटवइये नेता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं 1987 में पॉलिटिक्स में आया, जब उद्योग मंत्री का क्या स्टेटस था फरीदाबाद की जनता जानती है। 94 में हरियाणा की पहली नगर निगम बनी, मैं पार्षद बना और उस दौरान मेरे साथ जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं वो भी मेरे साथ पार्षद बने। शारदा राठौर जी दो बार मंत्री रही हैं, वो भी मेरे साथ पार्षद थी, और शिवचरण शर्मा जी भी। और हरियाणा की पहली नगर निगम थी जिसमें हम लोग चुनाव जीत के आए थे। उस वक्त यही मंत्री जी पूरे फरीदाबाद की जनता और कुछ गिने चुने अधिकारी जानते हैं, ये सब तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराकर अपने अनैतिक कार्यों में लगे हुए थे। 96 में हबीबपा की सरकार बनी, जब भी उन्होंने उनके परिवार के किसी व्यक्ति से तालमेल गांठ कर उस सरकार में भी किस तरीके के कार्य कराए, ये फरीदाबाद की जनता और चंडीगढ़ के अधिकारी जानते हैं। 2001 में इनेलो की सरकार बनी, जब भी इनका यही रवैया रहा, जो भी सरकारें बनी मुझे बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पूरे फरीदाबाद की जनता और अब हरियाणा की जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश के आईएएस आईपीएस अधिकारी जानते हैं उद्योग मंत्री जी क्या कार्य करते थे, किन किन कार्यों में उनकी जो है कि सहमति थी और क्या उनका व्यापार था, क्या उनका काम धंधा था, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो मनोहर लाल जी जो खट्टर हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी मान्यवर, उनसे भी कहना चाहूंगा, ये वो व्यक्ति है जिसने 2018 के अंदर अपने परिवार के लोगों और समर्थकों से सोशल मीडिया में चलवाया कि आने वाले कुछ ही दिनों में उद्योग मंत्री जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, और उसका प्रचार करीब इन्होंने 1.5 से 2 महीने करा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो आपके भी पक्ष में नहीं है, आपके आप ये तो ये चाहते हैं कि आप हट जाए और ये मुख्यमंत्री बन जाए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक लोकसभा चुनावों के अंदर उस वाटिका सेक्टर 10 के अंदर एक हमारे समाज की मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर एक इनके समर्थक ने कहा कि वो वक्त गया जब मंत्री जी डिनर सजाते थे, मंच सजाते थे, लंच सजाते थे, और अब तो मंत्री जी पंजा दबा के दिखाएंगे। ऐसा पंजा दबाया कि हमारी कांग्रेस लोकसभा का चुनाव 5,38,000 वोटों से हार गई। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, यदि माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का लंच या डिनर या मंच इन्होंने सजाया, तो उन्होंने भी ट्रिप के तौर पे इनको टिकट दिलाई और फरीदाबाद विधानसभा से एमएलए बनाया। आज तक इन्होंने, आप देख लो, कभी कोई दुख सुख में किसी के नहीं जाते आते, कभी उनको किसी सामाजिक कार्यों में नहीं देखा होगा, अब उनको समाज की याद आ रही है, अब उनको शहर के लोगों की याद आ रही है, ये फरीदाबाद की जनता जानती है, बहुत पहचानती है। और जो उनका बयान है, इतना बड़ा कद होने के बाद उद्योग मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, इनका रिजल्ट उनके सामने आएगा और आने वाले चुनावों में जनता बता देगी कौन बड़ा नेता, कौन छुटभैया नेता है। मैं तो 87 से राजनीति कर रहा हूँ, मैं तो अपने अपने समाज के लोगों के दम पर, मैं तो यहाँ से 94 में चुनाव भी जीत के आया। भाई तुम तो नरेंद्र मोदी जी की आंधी में चुनाव जीते हो और कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद से टिकट लाए हो, तो पता लग जाएगा ना अब चुनाव आ रहा है कौन बड़ा नेता कौन छोटा है, जनता बता देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।